Assalamualaikum. Hope you're all well and enjoying good health. This is me, Huma Ijaz, and all those who are new to my channel, welcome. Don't forget to subscribe, press the bell icon, or don't forget to share my videos with your friends and family. I make exciting content about skin, hair, makeup, food, travel, and lots of gupshup and very interesting information. Or the agenda of this channel is Seekhein aur Sikhaein. सो लुक फॉरवर्ड टू हैव गपशप, आपसे सीखूं, आपको सिखाऊं और काफ़ी सारी मज़े मज़े की बातें. और वो सब जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच. आई रियली लव एंड एंजॉय रीडिंग योर कॉमेंट्स ऑन माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम के मैसेजेस और इंस्टाग्राम के कॉमेंट्स. सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल और हम इसी तरह से जो है वो गपशप सेशन अपना कॉन्टिन्यू रखेंगे. सो जी, आज की जो वीडियो है वो मेरे दिल के बड़े कर क्लोज है, क्योंकि होता है ना, कुछ चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं कि आप उनको यूज़ ही नहीं करना चाहते, आप उनको पड़ा रहने देते हो. सो कुछ अरसे से एक चीज़ ऐसी मेरे पास पड़ी थी जो इतनी खूबसूरत है कि मेरा खोलने को दिल ही नहीं कर रहा था, मेरा यूज़ करने को दिल ही नहीं कर रहा था. तो अब मैंने सोचा कि देखो, लाइफ में चीज़ें आनी जानी हैं, छोटी सी लाइफ है, तो मैं अब इसको यूज़ कर लूँ. बहुत खूबसूरत है, इसीलिए आई एम गोइंग टू यूज़ इट टुडे. और जैसे कि थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रिटी एनास्टासिया बेवरली हिल्स की मून चाइल्ड ग्लो किट है. सो जी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में इसकी स्वाचेस करेंगे. और इसको मैंने पहले देखा हुआ है खोल के, लेकिन मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया. आई थिंक कोई 2 साल तो हो चुके होंगे, अराउंड लेस देन 2 ईयर्स, बट मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया हुआ. फिर मुझे ख्याल आया कि यार, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, आई शुड यूज़ इट, और मैं एटलीस्ट ओपन तो करूँ इसको. सो लेट्स ओपन इट टुगेदर और इसके स्वाचेस करते हैं और साथ साथ करते हैं अच्छी सी गपशप. पैलेट बाहर से ही इतनी खूबसूरत है, इसके अंदर ये इस तरह से लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ये देखें, सो प्रिटी रेनबो इसमें बन रही है. सो हम इसको ओपन करते हैं. ओ माई गॉड, लुक एट दिस अगेन, द सेम ग्लो. और ये हम कर रहे हैं टडा, सो प्रेरी. सो जी, इसके बारे में हम आज बात करने लगे हैं. इसके हैं जी खैर से 6 शेड्स हैं इसके अंदर. ये इसका कवर मैं आपके सामने हटा रही हूँ, और ये जो 6 शेड्स हैं इसमें है ये ब्लू आइस, स्टार, पर्पल हॉर्सशू, पिंक हार्ट, लकी क्लोवर एंड ब्लू मून. सो अब स्टार्ट करते हैं इसके स्वाचेस. ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि मैं इसको स्वाच करूं कि नहीं, बट दिल पे हाथ रखते हैं, पत्थर रखते हैं, दिल बड़ा करते हैं और स्वाच शुरू करते हैं. सो जी, सबसे पहला स्वाच करते हैं हम ब्लू आइस का. इसका नाम ब्लू आइस पता नहीं क्यों है, क्योंकि इसका ये बिल्कुल वाइट शेड में है. और ये है जी इसका, ओके, जो इसका कलर आ रहा है वो बेसिकली जिसकी टोन आ रही है वो ब्लू में है, शायद इसलिए इसका नाम ब्लू आइस है. थोड़ा सा और लेते हैं और उसको हम करते हैं अपने हाथ के बैक के ऊपर अप्लाई. और ये वाकई में थोड़ा ब्लूइश सा इफ़ेक्ट दे रहा है, बिल्कुल एल्सा वाला जैसा, आइस, एल्सा और ये ब्लू, थोड़ा मैचिंग फील हो रहा है. अच्छा जी, अब दूसरा करते हैं हम जी खैर से स्टार. दिस इज़ अ ग्रे वन, जैसे ये आपको नज़र आ भी रहा है. इसको हम लेट्स डू इट ऑन द अदर हैंड, अदर फिंगर, सॉरी. ये देखें, ये मेटेलिक ग्रे सा कलर है और हल्का सा नाक पे लगा के देखें. ओके, सो अब इसको करते हैं यहाँ इसके साथ. सो दिस इज ब्लू वन और ये हो गया हमारा मेटेलिक ग्रे. बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत पिगमेंटेड है. अब है जी हमारा पर्पल हॉर्स शू. अब हम करते हैं तीसरी फिंगर के साथ इसको अप्लाई. सो जी, यू कैन सी दिस इज़ लाइक पर्पलिश है और
आई थिंक इसके काफ़ी क्लोज होगा, ये जो पर्पल वाला है ना, सी दिस गिव्स अ पर्पल कलर, और ये जो है ये थोड़ा सा ब्लूइश है, बट दीज आर रियली क्लोज, मुझे लग रहा है जैसे ये काफ़ी हद तक क्लोज है, बट अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पर्पल कह लें, जैसे लाइलेक टाइप कलर देता है, दिस इज लाइक अ मोर ब्लूइश टोन पर्पल, इसमें भी पर्पल का टोन आ रहा है। अच्छा, वैसे करते हैं ना थोड़ा सा इसको यहाँ भी तो लगा के देखें कि स्किन के ऊपर कैसा होगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ये किस कलर स्किन कलर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जैसे हमारी एशियन स्किन्स हैं और थोड़ी ब्राउन टोन्स में आ जाती हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये हमारी स्किन टाइप्स के लिए कौन से कलर जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। और वैसे भी आपको पता है हमारा हाइलाइटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, आई मीन इन माई केस ओनली एट नाइट टाइम्स, जैसे कोई फंक्शन है, कोई शादी वादी है या कोई नाइट फंक्शन है जहाँ पे आई रियली वांट टू ग्लो, तो मैं फिर बहुत सारा जो है वो सॉरी हाइलाइटर जो है वो अप्लाई करती हूँ। सो लेट्स ट्राई द न्यू कलर, नेक्स्ट कलर आई मीन। सो जी नेक्स्ट कलर जो हम ट्राई करने लगे हैं दैट इज़ पिंक हार्ट। सो अच्छा, यहाँ से जो है कुछ वाइट सा या कोई और कलर लग रहा है, बट अगर आप इसको करीब से देखें तो इसमें काफ़ी सारा पिंक कलर आ रहा होता है। सो अब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑन दिस साइड, कैन यू सी इट्स लाइक अ पिंकिश, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिंक ग्लिटर नज़र आ रहा है, और आई थिंक ये अगर आप ब्लश के साथ अप्लाई करें विद योर पिंक ब्लश तो इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी नाइस इफेक्ट, और खूबसूरत लगेगा आई एम श्योर, क्योंकि मैंने ये यूज़ नहीं किया तो आई एम नॉट वेरी श्योर, आई मीन मैंने अप्लाई नहीं किया तो मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये ब्लश के साथ बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा जी, अब है जी लकी क्लोवर। नाउ दिस वन आई एम यूजिंग इट विद द सेम फेयर, ये है लकी क्लोवर की, तो अच्छा इसका जो कलर है वो यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, बट इट्स काइंड ऑफ यू नो ग्रीनिश, जैसे मिंट ग्रीन। ओ दिस, लुक एट दिस, उफ इट्स सो गॉर्जियस एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी ग्रीन इफेक्ट, जैसे मैं साथ साथ आपको स्वाचेस जो है स्किन पे भी दिखा रही हूँ कि देखें कैसा ग्लो आ रहा है मेरी स्किन पे, चमक रही हूँ मैं। अच्छा जी, अब है बारी लास्ट वाले कलर की, विच इज़ ब्लू मून। सो जी ब्लू मून को ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो कलर्स हैं वो ज़्यादा क्या टोन्स हैं। सो दिस इज़ ब्लू मून एंड इसको करते हैं इस साइड पे अप्लाई, देयर यू गो। सो जी अब ये 6 के 6 शेड जो हैं वो अप्लाइड हैं, दिस इज़ द ब्लू मून, उसके अलावा एक ये ब्लूइश में है, ये ब्लूइश में है, ये पर्पलिश में है, दिस इज़ द पिंकिश वन जो मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो गया है क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू माय स्किन, और ये है जी मिंट वाला ग्रीन कलर, और ये जो है ये कौन सा था, पिंक ग्रे, हाँ दिस वॉज द ग्रे वन। सो अगर आप देखें तो एक ये वाला कलर और एक ये ग्रे कलर, ये बहुत स्टैंड आउट कर रहे हैं, ये तो बहुत मिक्स हो गया, बहुत नेचुरल लग रहा है। ये 3 कलर्स जो हैं ये आई एम नॉट श्योर कि ये हाउ वुड इट लुक विद माय स्किन कलर, या मेरी जो स्किन टाइप है उसके साथ कैसे लगेंगे, ये मैं किसी दिन किसी ऐसे मेकअप के साथ, ऐसे कलर के कपड़ों के साथ मेकअप करूँगी कि, बट आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस। अभी मैंने देखा ये वाला जो लास्ट कलर था उसको मैंने ज़रा मिक्स किया है, लेट्स मिक्स ऑल ऑफ दीज एंड सी कि क्या बनता है, और फिर देखते हैं कि ये ग्लो जो है ये कैसी फील होती है ऑन माई स्किन कलर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ, आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस, और कुछ थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रोडक्ट ज़्यादा लगी हुई है तो वो थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, बट आई थिंक दिस वुड लुक गुड विद अ गुड फाउंडेशन और फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ और विद द राइट मेकअप, ये जो सारे कलर्स हैं दिस आर गोइंग टू गिव अ वेरी नाइस इफेक्ट, और क्योंकि इसमें 6 डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं तो आई थिंक वो जो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी वो कोई बहुत ज़्यादा ही हसीन होने वाली है।
सो आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दीज ऑन माई चीक्स नाउ एंड फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट फील होता है. अच्छा, एक चीज़ और है कि ये मैं इसको एक दफ़ा जो मैंने अप्लाई कर ली है तो अब ये इतना ज़्यादा उतर नहीं रहा, सो इट मीन्स इट वुड बी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. सो अब देखते हैं शीशे में. तो जी आई फील मुझे यहाँ से तो प्रोडक्ट अप्लाई हुई भी नज़र आ रही है, बट आई एम श्योर पिक्चर्स में और वीडियोज़ में और नाइट फंक्शंस में इट्स गोइंग टू लुक रियली गॉर्जियस और ग्लोई और खूबसूरत. और कोई पूछेगा ना आपको कि जी क्या लगाया हुआ है, आप बड़ी चमके मार रहे हो, तो आप कहें जी इनर ग्लो है, मैं तो अंदर से हसीन हूँ, तो वो जो हुसन है, वो जो चमक है, वो फेस पे आ रही है. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एक्साइटिंग पैलेट और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. और अब मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है ये जो ग्लो आ रही है इसके साथ साथ. और जी टू बी ऑनेस्ट, जो आपका हाइलाइटर होता है ये बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि देखें इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होना होता. फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है या लिपस्टिक्स हैं तो वो कुछ कलर्स लिपस्टिक्स के आप रेगुलर यूज़ कर रहे होते हो, या फाउंडेशन है तो वो रेगुलर यूज़ हो रहा है, कंसीलर है वो आपका रोज़ यूज़ हो रहा होता है, और मेरा आईलाइनर और मेरा जो है ना आईब्रो पेंसिल, मेरा तो ये स्टॉक बहुत जल्दी ख़त्म होता है. बट इन केस ऑफ द हाइलाइटर्स हैं या ब्रॉन्जर्स हैं तो वो बड़े लंबे अरसे जाते हैं. तो उसके लिए मेरा जो पर्सनल तरीका है वो ये है कि एक ही अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लो और उसको 2-3 साल तक आप चलाते हो, क्योंकि आई थिंक मेकअप की जो लाइफ है वो तकरीबन 2 साल होती है. वैसे कुछ अर्सा और भी चल जाता है अगर आपका बहुत फेवरेट है, या यू नो कभी कभी कुछ चीज़ों से आपको इतना प्यार होता है कि आप उसको निकालना नहीं चाहते. वो वैसे खूबसूरत आपके उस पर पड़ी हुई बड़ी खूबसूरत लग रही होती है. बट ऑन अ सीरियस नोट कि अगर आपको स्किन के लिए चाहिए अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए, सॉरी स्किन के लिए स्किन वाली ऑब्वियसली आपने हाइलाइटर है या ब्लशेज हैं या आपके ब्रॉन्जर्स हैं वो आपने स्किन पे अप्लाई करने हैं, तो वो आप थोड़ा केयरफुल होते हो कि यार अगर एक्सपायर हो गए हैं तो यू शुड अवॉइड इट. अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो ऑब्वियसली रैश हो सकता है या यू नो स्किन कोई कंडीशन हो सकती है. तो ब्लश भी हम बेसिकली थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं. इन माई केस में ब्रॉन्जर और जो है व्हाट डू यू कॉल इट यार इसको क्या कहते हैं, एक तो ब्रॉन्जर कहते हैं और एक इसको कॉन्टोर, ये मैं बड़ा रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो मेरा ये जो है इसका काफ़ी यूज़ है. बट हाइलाइटर के केस में ये होता है कि आपने कोई नाइट कोई फंक्शन में गए हो, या थोड़ी चमक वाला फंक्शन है, कोई डिनर्स हैं, या यू नो शादियाँ हैं, या कुछ इस तरह की एक्टिविटी है, तभी आप हाइलाइटर लगाते हो. अदरवाइज इट्स ऑलवेज यू नो ब्यूटिफुल एंड आई लव टू कलेक्ट हाइलाइटर्स एज वेल. सो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और आज की अच्छी बात ये है कि सोचने दें, अच्छी बात यह है कि देखें जैसे आज मैंने ये स्टेप लिया कि ये मुझे बड़ी ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन मैं इसको खोल नहीं रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद थी. सो लाइफ में बहुत सारा ऐसा होता है, मेरे बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं संभाल के रखती थी, यूज ना खुद करती थी ना किसी और को करने देती थी, जिसके दाने अभी भी मेरी बहनें मुझे देती हैं. तो अब आके ख्याल आता है कि यार पता नहीं लाइफ कितनी है, या चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं या लाइफ एक्सपायर हो जाएगी या चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी. सो इससे पहले कि दोनों में से कोई एक चीज़ हो, इन्जॉय करें, यूज़ करें और खुश रहें और फन करें यार, पार्टी करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई लव यू ऑल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट दिस वीडियो आई एम मेकिंग इट इन ऑगस्ट, और जो हमारा सितंबर गिव अवे है वो बड़ा ग्रैंड होने वाला है. सो पार्टिसिपेट करें, खुल के करें, और आई लव यू ऑल. अपनी दुआओं में याद रखें, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.